देखिए, पिछले कल राज्यपाल महोदय जी के अभिभाषण के दौरान भी मैंने इस बात को कहा था कि सरकार काम करने के लिए होती है, बंद करने के लिए नहीं। हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को काम करने के बजाय काम रोकने का आनंद आता है, और इसलिए आपने देखा होगा कि आज हिमाचल प्रदेश में सब जगह सब काम रुके पड़े हैं। और आज मैं खास तौर से यहाँ जो बच्चे हमारे इस सर्दी के मौसम में भी, बर्फ के मौसम में भी धरने पर बैठे हैं, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी के हमारे 817 कोर्ट के और ड्राइंग मास्टर भी इसमें जो है वो है, दूसरा पोस्ट कोड है, और वो भी यहाँ पर बैठे हैं। उनके रिजल्ट बेवजह विलंब किए जा रहे हैं, नहीं निकाले जा रहे हैं, वजह पूछी जा रही है तो जवाब उनके पास नहीं है। ये बच्चे हाई कोर्ट से होकर के सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे, सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि रिजल्ट निकाल दिया जाए, और सरकार की ओर से एडवोकेट जनरल, जो वर्तमान सरकार के एडवोकेट जनरल कोर्ट में प्रस्तुत होते हैं कि ये रिजल्ट निकाले नहीं जाए, इनको रद्द किया जाए क्योंकि इसमें धांधली हुई है। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धांधली हुई है तो उसके प्रमाण दीजिए, प्रमाण इनके पास कुछ नहीं, प्रमाण थे ही नहीं। जब हम कह सकते हैं कि धांधली इस प्रकार की हुई ही नहीं तो प्रमाण कहाँ से देते। तो मंशा साफ हो रही थी कि सरकार वर्तमान सुक्खू जी की यही चाहती थी कि ये रिजल्ट जो है वो ना निकाले जाएं, इनको रद्द किया जाए, ये एक उनकी ओर से कोशिश थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब डायरेक्शन दी कि रिजल्ट निकाले जाए, और उसके बाद हाई कोर्ट ने स्पेसिफिक होकर के आगे बढ़ करके आदेश दिया कि 3 महीने के अंदर, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वो तो है ही, लेकिन उसको ध्यान में रखते हुए आप 3 महीने के अंदर, और शायद उसकी डेट भी शायद मेकर में नवंबर 21 तारीख को ये दिया था ये, और ये 21 फरवरी को 3 महीने का कार्यकाल भी पूरा, मतलब वो समय भी पूरा हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं निकाले गए। और उसके बाद बहाना क्या लगाया जा रहा है कि विजिलेंस की इसमें इंक्वायरी चल रही है, इस कारण से नहीं। और गवर्नमेंट के ही ये लॉ के जो है उनकी लॉ की ओपिनियन है, और उस ओपिनियन में बड़ा स्पष्ट शब्दों में उन्होंने कहा है कि जो शायद बिल्कुल 7 बच्चे हैं जिनके सिलसिले में मामला दर्ज है, इनको छोड़ करके बाकी सभी बच्चों के रिजल्ट निकाले जा सकते हैं, लेकिन अभी तक उसके बावजूद वो रिजल्ट नहीं निकाले जा रहे हैं। ये मैं समझता हूँ कि जो वादा किया, जो गारंटी दी थी उन्होंने कि 5 साल में 5 लाख नौकरियां बेरोजगारों को देंगे, 1 साल में 1 लाख नौकरियां देंगे, और इस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में जो झूठी गारंटी दी थी उसके विपरीत, यहां जो नौजवानों ने जिन्होंने रिटन टेस्ट क्वालिफाई कर लिया, टाइपिंग टेस्ट भी बहुत सारे बच्चों ने उसमें दे दिया, उसके बावजूद भी रिजल्ट नहीं निकालते हैं। और ये सीधी सी बात है कि सरकार की मंशा नहीं है कि और इन बच्चों को राहत दी जाए। और हमने इस बात को बड़ा स्पष्ट किया कि भारतीय जनता पार्टी का पूरा, हमारा विधायक दल, हमारा पूरी पार्टी इस मुद्दे को लेकर के इन सब बच्चों के साथ हैं, और इनके रिजल्ट तमाम जितने भी हैं वो जल्दी से जल्दी निकालने चाहिए, ताकि बहुत सारे बच्चे तो ऐसी स्थिति में आ गए कि वो 45 साल की उम्र के बहुत करीब पहुंच गए हैं, उनको अगर 45 साल के इसमें नौकरी नहीं मिल पाई तो जिंदगी भर के लिए नौकरी से वो वंचित हो जाएंगे। सर, कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया गया है 3 महीने, देखिए यही एक तरीका है सुक्खू जी की सरकार का, यही एक तरीका कि काम को टालने का, क्योंकि काम नहीं करना है तो नहीं करना है, काम रूप में कहा कि उनको काम रोकने का शौक है, और इसी तरह से ये भी यहाँ पर भी दिख रहा है। और कैबिनेट सब कमेटी बनाने के बाद क्या इस बात की गारंटी देंगे मुख्यमंत्री की भी हम 1 हफ्ते के अंदर 10 दिन के अंदर 15 दिन के अंदर 1 महीने के अंदर जो है वो रिजल्ट निकाल देंगे, लेकिन वो स्थिति नहीं है। और विजिलेंस की इंक्वायरी की अगर बात करें तो विजिलेंस की इंक्वायरी तो सालों साल चलती रहती है, इसलिए मेरा
सरकार से इस बात के लिए हमेशा आग्रह रहेगा कि तुरंत जल्दी से जल्दी इनके जो है वो रिजल्ट निकाले जाएं। सदन में इस मामले को उठाएगा निश्चित रूप से। हमने पिछले कल भी मेरे आपने देखा होगा गवर्नर एड्रेस पर जब मैं संबोधित कर रहा था मैंने ये मामला वहाँ पर भी उठाया है और स्पेसिफिक होकर के इस मुद्दे को लेकर के हम अपनी बात रखेंगे विधानसभा के सत्र के अंदर। ठीक है सर, थैंक यू।